बेटी तुम बहुत बहादुर हो। अरे और कोई होता तो क्या सच बताता। बहुत ही समझदार लड़की है, शाबाश। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी प्रशंसा करने की ना कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा अपमान ना होना, इसलिए हमने ऐसा किया था। अपमान? कैसा अपमान? अपमानी तो है, अब आप ही देखिए। अब बड़े लोग हम गरीब को छोटा समझते हैं। अब छोटा मतलब चोर। अगर आपके आभूषण चोरी हो जाते तो फिर आप हमें ही कोसते ना, हो जाता ना हमारा अपमान, है ना बंदे की बात। चुप्पी कर, बोलती है तो बस बोलती ही चली जाती है। अब क्या करो बाबा, हमें ज्यादा बोलने के बोले पर बोलना पड़ता है ना बंदे की बात। हम क्या ज्यादा बोल गए? हाँ वही तो कहते हैं, हम तो सिर्फ काम की ही बात करते हैं, हमें ज्यादा बोलने के बोले पर बोलना पड़ता है ना बंदे की बात। अंबिका भाई, नथ तो सही भाई के पास थी ना? फिर आपके पल्लू से कैसे गिरी? वो मातोश्री, वो मां साहब, हम दोनों साथ में पाँव धोने गए थे ना, तो शायद तब भी हमारे पल्लू से गिर गई होंगी। इन्हें तो भ्रम हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई भ्रम नहीं हुआ, और आप तो वहां थी ही नहीं। ठीक से याद कीजिए, याद आया? हाँ, शायद हमें ही भ्रम हुआ है, तभी तो हमें ज्यादा बोलने पर बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, माँ साहेब चलिए ना, पूजा का वक्त हो रहा है। वो सही, आपका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना? आपने तो पूजा में भी सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हमने मना, हमने ही तो मना कर दिया था मां साहब। मां साहब आपने इस लड़की पे तो ध्यान ही नहीं दिया, इतना बड़ा काम किया इन्होंने, आप इन्हें कोई इनाम नहीं देंगी? इनाम? इनाम तो जरूर देंगे इसे, परंतु लाल महल ले जाकर। बेटी आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, हमें ज्यादा बोलने के बोलने पर बोलना पड़ता है ना बंदे की बात। नाम? माँ साहेब तुम्हारा नाम पूछ रही हैं। वही तो बता रहे हैं हम, हमारा नाम शेवंता है, और शेवंता का मतलब है। शेवंता, आप लाल महल आ रही हैं ना? लाल महल? बाबर में लाल महल जाओ? बेटी इससे अधिक सम्मान की बात और कुछ नहीं हो सकती हम गरीबों के लिए। धन्य हो मातेश्री।
चलिए अब जल्दी चलिए, देवी को चढ़ावा चढ़ाना है। सुनिए, आपने उनके लिए झूठ क्यों कहा? अगर हम होते ना तो अभी उन्हें जिम्मा कर देते। हमें ज्यादा बोलने के लिए बोलना। अच्छा ठीक है ठीक है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते, वो हमारी माँ समान है ना। आप कितनी अच्छी है, वो तो झूठ पे झूठ बोली जा रही थी और आप उन्हें छुपा रही थी। शकुंता, तुमने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम है ना बाजू के गांव रांझे में ही रहते हैं और भगवान ने हमें आपसे मिलाकर पूजा से पहले ही फल दे दिया है ना पते की बात। अच्छा अब हम चलते हैं, माँ साहेब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लीजिए, ये चढ़ावा देवी माता के चरणों में चढ़ा दीजिए। लोगों से सिर्फ सुना था कि शिवाजी राजे का महल उन्हीं की तरह बड़ा है, आज देख भी लिया। हमें ज्यादा बोलने के बोलने पर बोलना पड़ता है। शेवंता, देखो शेवंता, जब तुम अपने गांव वापस जाओगी ना, वहां सब तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। लाल महल की अतिथि जो हो ना, है ना पते की बात। अरे आपको कैसे पता मैं ये बोलने वाली थी। और बस बस बस, अब चलोगी कि यहीं खड़े खड़े नाम लेना है? चलो। आइए शिवंता, आइए। ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं नहीं नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। आपने सई बाई साहेब की इतनी सहायता की है, इसे धन नहीं इनाम समझ कर रख लीजिए। अरे वाह, ये तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन
बोलो बोलो ना, रुक क्यों गई? कैसे बोलूं? बाबा डांटेंगे। वो कहते हैं कि बड़ों के सामने कम बोला कर। ये तो है, बोलती बहुत कम हो। वही तो, पर हमारे सामने दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं है। कहिए क्या चाहिए आपको? कह तो दूं लेकिन डर लगता है। अगर आपने मना कर दिया तो? लेकिन आप मना क्यों करेंगी? एक माँ तो अपने बेटे की मन की बात जानती है ना, है ना पति की बात? श्रवंता, अब कह भी दो, क्या चाहिए तुम्हें इनाम में? कह दूं? श्रवंता, सुना है आपके यहाँ पवाड़ा होने वाला है, मुझे पवाड़ा सुनने की अनुमति दे दीजिए ना। मैंने महल कभी नहीं देखा है, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं शिवाजी राजे को इतने निकट से देख पाऊंगी। लाल महल में बैठकर पवाड़ा सुनूंगी, इससे बड़ा इनाम और क्या मिल सकता है मुझे? बस इतनी सी बात? आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। मां साहब, श्रेवंता, आप पुआड़ा जरूर सुनेंगी, परंतु आम व्यक्ति की तरह नहीं, लाल महल में रहने वालों की तरह। सच? श्रेवंता, सही भाई, जी मां साहब, चल। सुनिए जी, आप इन्हें तैयार करवाइए, नए वस्त्र पहनाइए इन्हें। जी बड़े रानी साहिब। श्रवंता, तुम इनके साथ जाओ। जरूर कोई बात तो है जो आप हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। इस लड़की ने आपको खोई हुई नथी तो दी है, आपकी कोई ऐसी सहायता तो नहीं की जिससे आप सोयरा की मां साहब को बचाने में सफल? नहीं, वो देने वाली लड़की कल तक आपके लिए अपरिचित थी, अचानक आपकी सहेली बन गई। घबराइए मत, हम आपको कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जिससे आपको विवश होकर हमसे झूठ बोलना पड़े।
आप जिसमें खुश रहें वही कीजिए। ताकि माफ अलीजा, आपने अपने गुलाम मियां रहीम को अचानक याद किया, जरूर कोई खास बात होगी। गिरफ्तार कर लो इस कंबख्त को। हुजूर, इस नाचीज से ऐसी कौन सी खता हो गई? खता आदिल शाह शिकारी कुत्तों को तब तक पालता है जब तक वो शिकार करने के लायक रहे, ना कि खुद शिकार हो जाए। हमने तुझे शिवाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और तू, लानत है तुझ पर। रहम रहम हुजूर आला, रहम रहम। इस लफ्ज से हमें सख्त नफरत है। मियां रहीम, तुम्हें हुजूर अलीजा एक शर्त पर मुआफ कर सकते हैं। हाँ मुस्तफा खान साहब, मुझे मुझे सारी शर्तें मंजूर है। हुजूर अलीजा, मियां रहीम ने बरसों से आपका नमक खाया है, इस नाचीज की राय है कि इन्हें एक मौका और दिया जाए। बस हुजूर आला, मुझे मुझे एक मौका और दीजिए। तूने हमें खबर भिजवाई थी कि रुस्तम और शंभाजी घोड़े और आसमान लेकर पुणे के लिए रवाना हो गए। इसका सबूत भी पेश करना होगा। एक सबूत है मेरे पास।